रेलवे स्टेशन के बहुत नजदीक में हूँ। ये मैसेज देता है कि पेड़ों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, तो ये ऑटो फीडर काइंड ऑफ थिंग बनाई गई है। मुझे एक शॉकिंग सी चीज नजर आई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ राजस्थान के एक और शहर कनकपुरा में, जो कि जयपुर से जस्ट पहले वाला स्टेशन पड़ता है। तो मैं रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक में हूँ एंड आज मैं एक और न्यू ओपन पार्क को दिखाने लेके आया हूँ आपको। बेसिकली ये एक नया पार्क है जो कि अब इसी दो महीने पहले यानी सितंबर में ही ओपन हुआ है। फिलहाल अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है तो ये पार्क अभी सितंबर में ही ओपन हुआ है। मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है एंड गाइज, अगर इसका डिस्टेंस अगर मैं बताता हूँ तो ये कनकपुरा रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक में है। थोड़ा सा यहाँ पे आके एकदम कॉर्नर पे आके थोड़ा सा गूगल आपको धोखा दे जाएगा, जस्ट गेट का धोखा देगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप लोकल से पूछेंगे तो वो बता देंगे कहाँ इसका ओपनिंग गेट है। तो गाइस ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप। तो गाइस ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि कनकपुरा का है एंड चलते हैं अभी। मैं यहाँ पहुँच चुका, अपनी बाइक को पार्क कर चुका हूँ एंड अभी मैं इसके गेट पर ही खड़ा हुआ हूँ एंड इसको रोड क्रॉस करके मैं अंदर की ओर जाता हूँ। तो मिलते हैं आपको इसके अंदर की ओर। ये कुछ ऐसा पार्क है, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट गोविंदपुरा। तो बेसिकली गोविंदपुरा इस जगह का नाम है एंड ये कुछ इसका एंट्री कुछ इस तरह का दिखती है। सो गाइज, मैं अभी गेट पे हूँ। अगर आप मैं गेट पे अगर दिखाता हूँ तो ये है गेट एंड इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको इसका नेम दिख जाएगा जो कि लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एंड गोविंदपुरा, जो कि बेसिकली ये फॉरेस्ट है। अगर अंदर जाके देखेंगे आप, क्योंकि मुझे बाहर से नज़र आ रहा था, पूरा फॉरेस्ट एरिया नज़र आ रहा था एंड यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हैं। एंड अगर आप इसके गेट के राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो इसमें यहाँ पे लिखा है रहेगा डेवलप एंड मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फंडेड बाय JDA। तो ये JDA के द्वारा फंडेड है। तो अभी विदाउट फर्दर अडू अभी डायरेक्टली गेट के अंदर एंट्री लेते हैं। सो गाइज, ये है मेन गेट एंड ये है छोटा वाला गेट, तो इसके अंदर चलते हैं अभी। सो गाइज, मैं एंटर हो चुका हूँ, ये है गेट एंड इसके मैं अभी राइट हैंड साइड पर जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक ऑफिस नज़र आएगा आपको, तो चलिए अब मेरे साथ चलते हैं अंदर। देखिए, ये देख सकते हैं ये ऑफिस है कि क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो पूरा फेंसिंग किया गया है एंड पूरा पीछे की साइड में पूरा फॉरेस्ट नज़र आता है मुझे। एंड ये है ऑफिस एंड इसके ऊपर कोई हेडिंग वगैरह नहीं लिखी हुई है एंड यहाँ से मुझे अंदर का नज़ारा दिख रहा है क्योंकि ग्लासेस है विंडोज़ में। अभी इसके मेन एंट्रेंस पे अगर आता हूँ मैं तो इसका ऊपर कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ का क्या है ये बेसिकली। तो अभी इसके मेन पाथवे पे चलते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइज, ये ऑफिस का नज़ारा लेके हम लोग फिर से मेन गेट पे आ चुके हैं, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैप लगा हुआ है एंड उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे एक पाथवे है। तो पहले मैप देखते हैं, उसके बाद उस पाथवे पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है वो मैप। सो गाइज, मेन गेट से हम लोग सीधे की ओर जा रहे हैं, सीधी रास्ते की ओर जा रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे इसके जो भी संस्थापक हैं उनके नाम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। गाइज, ये 22/9 यानी कि 22nd सितंबर को इसी साल 2023 को ही बनाया गया है ये पार्क। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट डेढ़ दो महीने के आसपास ही टाइम हुआ है। एंड अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर पूरा ग्रीनरी नज़र आएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है हेमेलिया, तो ये जो पौधे हैं शायद ये हेमेलिया करके कोई पौधे हैं। अगर इसी पाथवे पे आप बीच में सेंटर में देखेंगे तो यहाँ भी पौधरोपण किया गया है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पौधे यहाँ पे रोपे गए हैं एंड दोनों साइड में, तीनों साइड में बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं। एंड अगर वहाँ देख सकते हैं आप तो वहाँ लिखा है लाल कनेर, तो लाल कनेर करके कोई पौधा है जो जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोग को ज़रूर आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। तो आगे चलते हैं
एंड गाइज यहाँ पर मुझे एलोवेरा नज़र आए, एंड इसके साथ साथ खासियत एक ये वाला पौधा, ये वाला फूल है जिसको हम लोग बचपन में बहुत देखते थे अजमेर में जब जाता था तब। ये वाला वो पौधा है, मुझे आइडिया नहीं है इसका नाम क्या है, बाकी इसको इसको प्लग करके कुछ बच्चे लोग इसमें से घड़ी टाइप ऑफ तीन डंडियां निकालते थे एंड वो घड़ी की तरह अपने कलाई पर बांधते थे। थोड़ा थोड़ा मुझे बचपन का याद आ गया है। एंड थोड़ा और आगे जाने के बाद यहाँ पे कुछ अलग तरह के पौधे मुझे नज़र आए हैं, पूरे झाड़ियाँ नज़र आई है अलग अलग। थोड़ा सा आगे चलने के बाद अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में एक योगा प्लेस जो नज़र आएगी वो वहाँ पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं एक सर्कल काइंड ऑफ बनाया गया है, उसके अंदर आपको एक हट जैसा नज़र आएगा एंड कुछ और अंदर चल के कुछ कलाकृतियाँ नज़र आएगी। ये मुझे उस चीज़ की याद दिला रही है जो चिपको आंदोलन हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ, तब तक यहाँ का आप नज़ारा एंजॉय कीजिए। मैं अंदर प्रवेश करता हूँ इस सर्कल वाली जगह पे एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ कलाकृतियाँ, मैं उसी की ओर जा रहा हूँ अभी। तो गाइज ये कुछ कलाकृतियाँ हैं, सो गाइज ये देख सकते हैं आप, इसकी कुछ हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। गाइज मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जो हिस्ट्री है, तो गाइज अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये हैं अमृता देवी जी जो कि विष्णोई समाज की महिला हैं, और इनकी बाकी दो मूर्तियां हैं जो उनकी पुत्रियों के मूर्ति है। तो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये इन्होंने एक मारवाड़ महाराजा था जो 1730 के आसपास की बात है, ये 1730 में तत्कालीन वहाँ का मारवाड़ महाराजा था जिसने खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे रखे थे। तो इन महिला ने, अमृता देवी ने, वो बीड़ा उठाया था पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इनके सहित 363 लोगों ने और इनकी पुत्रियों ने भी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। आप जैसा कि कलाकृति में नज़र देख सकते हैं, ये है राजा का बंदा या राजा जो कि पेड़ काटने के लिए आया है, एंड ये तीन महिलाएं आपको देख सकते हैं पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान गंवाते नज़र आएंगी आपको। तो ये भी काफ़ी रोचक इतिहास है राजस्थान का या इंडिया का बोल सकते हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है लड़ते हुए, कुछ विदेशियों से और कुछ ने अपने ही लोगों से। आपको दिखाता हूँ मैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक वो हट नज़र आएगी, उसके सेंटर में चलते हैं। एंड बाकी ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे ये एक सर्कल टाइप ऑफ बनाया गया है, एक सर्कल जैसा है उसमें बनाया गया है सारा कुछ पाथवे, एंड इसके चारों तरफ एक पाथवे है, मैं उस पर भी जाकर दिखाऊंगा आपको। सो गाइज मैं अभी इस हट के अंदर की ओर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का नज़ारा। चलते हुए अंदर की ओर आ गया हूँ एंड यहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा मुझे नज़र आया है। इस हट से मैं निकल के आगे की ओर जा रहा हूँ, एक छोटा सा पाथवे, हम इसी की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे डस्टबिन भी दिया गया है, एंड गाइज यहाँ पे अगर आप आते हैं तो प्लीज़ कचरा ना फैलाएं क्योंकि अभी तक हिडन प्लेस है काफ़ी, अभी तक तो हिडन है क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 पता चलेगा, जैसे जैसे पॉपुलर होगी ये जगह तो लोग अपना कचरा वगैरह यहाँ पे फैलाना स्टार्ट कर ही देंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी मुझे नज़र नहीं आया है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों ही लेकर चलें। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे अगर नज़ारा दिखाता हूँ तो मैं उस रास्ते से आगे बढ़कर इस एरिया में आ गया हूँ। ये एक सेंटर में गोल आकृति नज़र आएगी, गोल गार्डन जैसा नज़र आएगा। आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ काफ़ी अच्छे अच्छे फूल पत्तियाँ उगा रखी है, जैसे ये एलोवेरा है, ये वो वाले स्टार्ट वाले पौधे हैं इस सेंटर एरिया में। बट अगर आप उसके पीछे अगर आप नज़र करेंगे तो वहाँ पे पूरा उजड़ा हुआ है, जैसा कि आप बीहड़ इलाके होते हैं वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरे तरह से निर्माण कार्य इसका संपन्न हुआ नहीं है, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, जैसे यहाँ पर जहाँ तक मेरी पहुँच है यहाँ तक कार्य संपन्न हुआ है, इसके पीछे कार्य संपन्न नहीं हुआ है। शायद उसका धीरे धीरे कार्य किया जाएगा,
एंड उसके पीछे वो वाला पाथवे है जो मेन पाथवे होता है, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया है। तो अभी इसी राउंड का चक्कर लगाते हुए, क्योंकि हम लोग वहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि आई डोंट नो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है। तो इस गोल का चक्कर लगाने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलते हुए मुझे एक पत्थर नज़र आया है, मुझे ऐसा लगता है शायद इस पर भी जैसे स्टार्ट में कुछ लिखा हुआ था, कुछ जानकारियाँ लिखी हुई थी, शायद इस पर भी कुछ जानकारियाँ ही लिखी जाएंगी। एंड मैं आगे की ओर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ कुछ जगह, जैसे वहाँ पे मुझे बैठने की सीट नज़र आ रही है, एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से दो रास्ते कट डाउन हो जाते हैं अगर आप देख सकते हैं तो मैं एक रास्ते को पकड़ के आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ तक अच्छे वाले पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, एंड इसके बाद ये जो पाथवे मैंने पकड़ा है जिस पर मैं जा रहा हूँ आगे, यहाँ से पूरा उजड़ा हुआ मैदान जो कि अनटच्ड है मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे कार्य प्रगति पर है, यहाँ पे अभी टच नहीं किया गया है। एंड यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा, एंड पीछे कुछ 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 आवाज़ें आ रही है, शायद ये कुछ रेप्टाइल्स की आवाज़ हो। यहाँ पे रेप्टाइल्स समझ सकते हैं आप, सांप भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों की आवाज़ें मुझे नज़र सुनाई दे रही है। एंड काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे फेंसिंग नज़र आ गई, जो गेट होता है, जो मेन फेंसिंग होती है, वो नज़र आ चुकी है। इस काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे एक और वही पत्थर नज़र आया है, एंड अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस साइड में तो यहाँ पर है फेंसिंग, और उसके पीछे अगर आप नज़र करेंगे तो उसके पीछे पूरा का पूरा मेन जो जंगल है वो है। जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था ये फॉरेस्ट एरिया है, तो इसके पीछे पूरा जंगल है, उसके बीच में कुछ रास्ते को कुछ एरिया को कट डाउन करके ये पार्क बनाया गया है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, एंड मेरा ऑलमोस्ट 80% पार्क कवर करके हो गया है। एंड गाइस मुझे फैसिलिटी तो नज़र आई थी, अब वो वॉशरूम की है कि पानी पीने की है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तो अभी पानी की तलाश में चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस काफ़ी आगे चलने के बाद एक और हट जो कि झोंपड़ी है वो मुझे नज़र आई है, तो काफ़ी धूप है, अभी 12:30 बजे की धूप है, एंड इसके नीचे मैं शेल्टर लेता हूँ, तो कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा आपको नज़र आएगा। सो गाइस मुझे एक बहुत खूबसूरत सा पक्षी नज़र आया है, बर्ड, एंड वो चला भी गया है। यहाँ पे एक दो पक्षी नज़र आए थे मुझे, ब्लू कलर के बहुत ही खूबसूरत से पक्षी नज़र आए थे मुझे, लेकिन अभी क्या 12:30 बजे की धूप है तो पक्षी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ इंसान ही निकल रहे हैं बाहर। अभी फ़िलहाल मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, मुझे तलाश है एक तालाब की जो कि मेरे करीब में है। अगर इस जगह का पूरा चक्कर लगाऊंगा तो मुझे रात हो जाने वाली है, तो मैं इसका पूरा चक्कर तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक जो पार्क तालाब है जो कि इस वाले पाथ पे नज़दीक ही पड़ेगा, तो मैं आपको वो नज़र करवाता हूँ। सो गाइस मैं उस तालाब की तलाश में यहाँ तक आया था, एंड मुझे तालाब भी दिख गया है, एंड वो मॉन्यूमेंट भी दिख गए हैं जिसके लिए मैं सोचा था कि यार आऊँगा, लेकिन मैं भूल गया था यहाँ पे आने का। तो बेसिकली मैं एक हट के नीचे पहुँच चुका हूँ, एंड अगर आपको नज़ारा दिखाऊँ तो इसके पीछे ही मुझे वो एक जो पौंड है वो नज़र आ गया है, एंड ये ज़्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा बहुत पानी है, बहुत थोड़ा बहुत पानी है। गाइस आप इस पॉन्ड के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस पे फेंसिंग से रोका गया है सबको, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मॉन्यूमेंट्स जिसके लिए मैंने आपको बताया था। सो गाइस ये है वो मॉन्यूमेंट जिसका मैंने भूल गया था यहाँ पे आने के बाद, बाकी घर से सोच के निकला था कि इस चीज़ को तो मैं दिखाऊंगा, बाकी रियल हाथ जैसा लग रहा है, एंड ये आई डोंट नो कि ये मार्बल है कि क्या है, ये मुझे प्लास्टिक फाइबर लग रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। एंड बेसिकली ये मैसेज देता है कि पेड़ों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। एंड इसी के बाजू में एक सीट भी लगाई गई है, एक बेंच लगाई गई है, अब अगर यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़र आएगा।
इन हाथों से अब विदा लेने का टाइम आ गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब प्रस्थान करते हैं गेट की ओर, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारा हमने कवर कर लिया है। एंड अगर इसको पूरा कवर करेंगे तो पता नहीं रात हो जाएगी, क्योंकि इस गार्डन की एक ड्रॉबैक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये राउंड शेप में नहीं है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो मतलब गेट आपको एक्सेसिबल होना चाहिए किसी पाथवे से, मतलब उसी रोड से वापस आना पड़ेगा आपको, वन वे ट्रैफिक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा। जिस रोड से आप जा रहे हैं, जिस ट्रैक से आप जा रहे हैं, उसी पे वापस आना पड़ेगा गेट तक पहुंचने के लिए। बेसिकली कोई भी पार्क होता है वो अगर इस रास्ते से निकल गए तो बाकी के रास्ते कहीं ना कहीं आपको पहुँचा देंगे, मुझे इसका ऐसा नहीं नज़र आया है। तो इस चीज़ का मुझे एक ड्रॉबैक लगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई है। तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसी रास्ते से ही आपको एग्जिट गेट भी नज़र आएगा। एंड गाइस, मुझे एक ख़ास चीज़ नज़र आई है यहाँ पे, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गिलहरी दाना चुग रही है। एंड ये कुछ अच्छा खासा ऑटो फीडर टाइप देसी जुगाड़ बनाया गया है। ये बॉटल है, बॉटल के अंदर सामान खाना रखा गया है, एंड उसके नीचे एक प्लेट है अगर आप देख सकते हैं तो, और उसके पीछे गिलहरी खाना खा रही है। तो ये ऑटो फीडर काइंड ऑफ थिंग बनाई गई है। मुझे एक शॉकिंग सी चीज़ नज़र आई है, आपको इस पर रिवर्स में दिख रहा होगा, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लेपर्ड रिजर्व। तो यहाँ पे लिखा है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व, क्षेत्रफल 16.36 हेक्टेयर। तो यहाँ पे आमागढ़ तो वो जगह है जहाँ पर गलता जी के साथ में गलता जी के होते हुए जाती है, तो वो जगह है। बाकी यहाँ पे जिस तरह से पोस्टर लगा रखा, तो शायद यहाँ पे लेपर्ड पाया जाता होगा। तो कमेंट करके बताइए यहाँ पे लेपर्ड का आवागमन है कि नहीं। तो गाइज, एक भले मानुष से मैंने पूछा, तो ये जो मैंने मेरे पीछे जो आपने देखा, जो पोस्टर देखा, वो बेसिकली वो इस वाले पार्क का हिस्सा नहीं है। वो ये दिखा रखा है कि जयपुर में और भी पार्क है जहाँ पे ये चीज़ें आपको नज़र आएगी, जैसे कि बेसिकली टूरिस्ट लोग के लिए है वो, कि आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ें बताई गई है, मेन्यू कार्ड है काइंड ऑफ, तो कि आप यहाँ भी जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ें। तो बाकी अभी मैं गेट की ओर पहुँच रहा हूँ, एंड मिलता हूँ मैं आपको आगे की ओर। गाइज, अगर आपको प्यास लग रही है तो वैसे आपको मटके वगैरह आपको अंदर मिल जाएंगे, मुझे तो नज़र नहीं आए थे, बाकी यहाँ पे काम करने वाले लेबर हैं उन्होंने बताया कि आगे आपको मटके भी नज़र आएंगे। एंड बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे एक टंकी है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे खारा पानी है। एंड मैं वैसे गेट पे पहुँच चुका हूँ, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो पानी कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली इस पार्क के ठीक सामने आपको एक मंदिर नज़र आएगा, तो मंदिर में आपको पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस, नेचर को अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया, बेसिकली इस पार्क को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। नेचर को तो मैं कभी नहीं कहूँगा अलविदा, बाकी इस पार्क को अलविदा कहते हैं। एंड इसी हरी भरी यादों को आगे समेटते हुए लेकर चलते हैं, एंड मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉयिंग।